अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो हम लोग कर रहे थे लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हमने शुरू कर दी थी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं हम सारे के सारे कर चुके थे, समझ चुके थे अच्छी तरीके से किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस में अप्रोच अपनी रखनी है और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आज हमारे शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले हमारे पास, क्या कहता है? शो दैट। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शो दैट, यानी कि हमें इस बार शो करना पड़ेगा जो भी चीज़ कहेगा ये। तो यहाँ से हम प्रॉपरली जो हमारा तरीका रहने वाला है बोर्ड में लिखने का, वो भी हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेट है वो क्या दिया हुआ है, इस बारी जो सेट है वो आर है, रियल नंबर्स। इस वाले आर से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आर का मतलब है रिलेशन। सेट कौन सा है? आर, जो कि रियल नंबर्स का है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट, ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा कहता है क्या क्या शो करना है हमें, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो एक चीज़ पहले ही बता दूँ, ये जब हम क्वेश्चन जब भी हम शो करेंगे, अगर हमसे कोई चीज़ को मना करता है, यानी कि मना करता है इन द सेंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अभी सीखा नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक करेंगे। अगर हमसे कभी पूछता है क्या कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे, जहाँ पे हमें ये शो करने के लिए बोलेगा कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, इस बात को शो करो। तो वहाँ पे एक जनरल अप्रोच रहती है जिसको हम सीखेंगे, बट यहाँ पे जिसमें हमें नहीं दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल जनरेट किया, एग्जाम्पल यहीं से हमें मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल कह सकते हैं उसे, काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या है, करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या कर लिया करें, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है सबसे पहले देख लें कि रिफ्लेक्सिव की एक डेफिनेशन लिख लें, ये सॉल्यूशन में ही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी हमारे पास बोर्ड में कॉपीज चेक होती है तो स्टेप मार्किंग रहती है। तो अगर बाई चांस हमारा क्या है, जो नीचे का सॉल्यूशन पार्ट अगर गलत लिख भी दिया, किसी भी वजह से अगर हमने गलत लिख दिया, तो कम से कम हमें इतना तो पता है कि रिफ्लेक्सिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो एग्जामिनर हो सकता है कि इसके बदले कुछ मार्क्स दे दें, किसके, डेफिनेशन के। तो डेफिनेशन प्रॉपरली लिखे जो लिखाई गई है एनसीईआरटी में और जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, तो इसी का फॉलो करें। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। डेफिनेशन एक दो बार एक दो क्वेश्चन में अगर खुद ब खुद लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाती है। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट, अगर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, आर का मतलब है रिलेशन। देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब जो सेट है। तो ये डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखी है, इसमें हर एक चीज़, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इन सभी का क्या मतलब है और कैसे हमारे पास किसी को रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सब कुछ हम देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं, तो डेफिनेशन लिख चुके हैं। डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हमसे नहीं प्रूफ करना है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढें। काउंटर एग्जाम्पल क्या रहेगा, देखिए जो हमसे कंडीशन कहती है, कंडीशन ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, जो कंडीशन हमें कहती है उसका उलट अगर हम कोई एक एग्जाम्पल ढूंढे तो हमारा काउंटर एग्जाम्पल बन जाएगा। अच्छा उलट क्या होगा वो सब कुछ बाद में देखेंगे, पहले तो एक चीज़ है क्या, इस रिफ्लेक्सिव के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्स के केस में मैंने बताया था जो भी हमारे पास सेट है, मान लो ए सेट है, इस केस में हमारे पास क्या है, आर है। तो पहले तो मैं वही लिख लेता हूँ, ये लिखना नहीं है बस मैं समझा रहा हूँ। आर में हमारे पास क्या होता है, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं इसलिए जोर देता हूँ कि सेट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट ही डिसाइड करेगा हमारा आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, रियल नंबर उसने बोला है ठीक है, बट जब
चेक करने जाते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में इस टाइप के एलिमेंट लेते हैं, 1, 1, 2, 2 या फिर कभी नेगेटिव ले लिए, वो ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन वाले हैं जैसे कि 1/2, 1/3, -1/3 या कुछ भी इस तरीके के, ये वाले भी इसमें मौजूद है, रेशनल इरेशनल जितने भी हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, रियल नंबर का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके के तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ इस तरीके के भी ज़रूर होंगे, तो इसी चीज़ का ध्यान देना होता है। ये वाले तो हमारे पास नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स के केस में भी होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ही हमें डिसाइड करता है कि हमें काउंटर एग्जांपल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि होता क्या है मैक्सिमम इसी में रह जाते हैं। अब देखिए होगा क्या, अगर आप भी इसी में रहोगे तो क्या करोगे, मान लो मैंने ये वाला पिक कर लिया, तो मैंने क्या रखा 2, 2, देखा कि ये इस रिलेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, यही तो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहती है, सेट में रहने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो हम यही देखना चाहते हैं कि 2, 2, -1, -1, 1, 1 इस टाइप के जितने भी हैं क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। तो 2 <= 2, बी की जगह पे क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 > 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कोई नेगेटिव भी ले लिया, मान लीजिए हमने -1, -1 ले लिया, तो -1 > -1 तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अगर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर में ही आप रहोगे और ये कंडीशन चेक करने जाओगे तो हर कोई ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तो काउंटर एग्जांपल कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें एग्जांपल ही नहीं मिल रहा काउंटर एग्जांपल जो ये कह सके कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सारे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं ये तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसको फुलफिल कर रहे हैं तो रिलेशन के सेट में भी चले जाएंगे और फिर रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। तो यही गलती करते हैं कि ध्यान नहीं देते कि रिलेशन जो सेट है वो क्या गिवन है, तो आर हमें गिवन है रियल नंबर। अब हम चेक करते हैं, ये वाले तो चेक कर दिए हमने, ये वाले टाइप के चेक करते हैं, मैं एक ही लेता हूँ 1/2, 1/2, बाकी आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, सॉल्यूशन पार्ट शुरू होता है, तो मैं इसे रब कर लेता हूँ फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, इतना तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद हमें क्या मिल गया, काउंटर एग्जांपल क्या लिया है मैंने, 1/2, 1/2। मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब क्यों नहीं करता मैं बता रहा हूँ अभी, R का मतलब रिलेशन है, ठीक है, R का मतलब रिलेशन है। ये वाला टाइप का ऑर्डर्ड पेयर हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज 1/2 जो कंडीशन है वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। कैसे, 1/2 > b का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। अब एक चीज़ बताइए, 1/2 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 0.5 आता है, ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखा नहीं, इतना भी लिखोगा चलेगा, ठीक है, एग्जामिनर अंडरस्टूड है कि ये सारी चीज़ें समझ रहा है, 0.5, इसका आएगा 0.25, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, ये क्या है, बिगर है। बट यहाँ पे जो हमारा सिंबल यूज़ करा गया है, सिंबल तो कहता है कि ये ग्रेटर है, जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का है, यहाँ जो एलिमेंट है वही यहाँ पे भी है, बट ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन के सेट में नहीं जा रहा है। तो हमें एक एग्जांपल चाहिए था जो कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल ना करे, जो कि हमें मिल गया। तो हेयर 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1/2 > 1/4 इज एब्सर्ड कंडीशन, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बस थ्योरी है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब काउंटर एग्जांपल लेना समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो थ्योरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस डेफिनेशन लिखनी है, एक परफेक्ट सी डेफिनेशन लिख दी, उसी डेफिनेशन के आधार पे हम क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल जनरेट करेंगे जो कि आसानी से मिल जाएगा। तो हमें हमारा क्या हो गया, हेयर दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ये हमने ये भी लिखा दिया, इज एब्सर्ड कंडीशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R क्या हो गया, R का मतलब रिलेशन, रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस यही चीज़ इसमें करनी है। इसमें जहाँ तक है हमारे कोई भी मार्क्स नहीं कट हो सकते, कट भी होंगे तो जहाँ तक है यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक करी होगी वहाँ पे होंगे, अदरवाइज में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने सीखा रिफ्लेक्सिव कैसे करते हैं, ये हमारे पास थ्योरिटिकली है, इसी तरीके से आपको भी बोर्ड में लिखना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक,
अगेन सिमेट्रिक की सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, डेफिनेशन, और उसके बाद उसका प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, तो अगेन हम ढूंढेंगे काउंटर एग्जांपल। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की अगेन वही डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, इसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे, सिमेट्रिक इफ ए वन कॉमा ए टू बिलोंग्स टू आर, देन ए टू कॉमा ए वन बिलोंग्स टू आर। तो कंडीशन सिर्फ इतना कहती है कि अगर रिलेशन के सेट में हमारा इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है तो इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, किसमें, रिलेशन के पास। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसमें हमें कोई एग्जांपल मिल सकता है क्या। इस वाले केस में अगर हम नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर के पास भी, नॉर्मल कहने का मतलब जिसमें हम फ्रैक्शन वाली चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, मान लीजिए मैंने कहा 1,2, ठीक है, मैंने कहा 2,1 या फिर 3,-1 या फिर 1,3, तो अगर इस टाइप के अगर ऑर्डर्ड पेयर आप देख रहे हो तो तब भी इससे काम चल जाएगा। देखिए कैसे, फ्रैक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, सेंस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसे साइड में रहने दिए, थ्योरी ये चल रही है। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज बिकॉज 1 <= 4, है ना, 1,2 इस रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन सी, जो हमें दी हुई है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी 1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो ये बात क्या है, ट्रू है। ठीक, अब हमें मिला सिंस ये बिकॉज देन बट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बट क्यों, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 2 <= 1 का स्क्वायर यानी 1 इज एब्सर्ड कंडीशन। सिंपल, क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ कि जैसे ही हमने पलटा, पलटना ज़रूरी है, क्यों, 1,2 अगर इस रिलेशन में चले गया जो कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो जाएगा ही जाएगा, बट क्या हो गया, उसी ऑर्डर्ड पेयर में जब हमने पोजीशन चेंज कर दी, 2 को आगे ले आए, 1 को पीछे कर दिया, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि 2 <= 1 है, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये क्या होगी, एक एब्सर्ड कंडीशन होगी, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट में नहीं जाने वाला है। अब नहीं जाने वाला है तो हमारे पास एक एग्जांपल चाहिए था ना, एक एग्जांपल चाहिए था जो ये बता सके कि एक ऑर्डर्ड पेयर देखो हमारे पास ऐसा है जो सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मिल गया हमें एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल, तो ये हो गया हमारे पास क्या, सॉल्यूशन का हिस्सा। अब आखिरी में हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये हमारा एक एग्जांपल का हिस्सा है, तो इसे हटा सकते हैं। अच्छा, आप 1,3 भी ले सकते थे या फिर 3,-1 कुछ भी ले सकते थे, मैंने बस 1,2 लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है सेट की, सेट पे हमेशा ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि सेट अगर कन्फर्म होगा उसके बाद अगर आप कंडीशन ढूंढनी शुरू करोगे तो ही हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ठीक मिलेगा। और लिखने का पैटर्न यही है, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद लिखिए, काउंटर एग्जांपल दीजिए, जो भी करना है। ठीक, तो इसको नोट करिए, यहाँ पे हम ट्रांजिटिव देखने वाले हैं जैसे कि हम कर रहे हैं, और ट्रांजिटिव शो करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब वो करना कैसे है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए बी स्क्वायर पे, और जो सेट है वो रियल नंबर का लिया गया। अब हमें यहाँ पे नाइदर ट्रांजिटिव ये चीज़ शो करनी है, यानी कि एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ के इसे देना है जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें मालूम है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। मैं एग्जांपल पे जाता हूँ, देखिए एग्जांपल इसका रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इसे रटने की कोशिश करते हैं, ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, फिर एक और क्वेश्चन दिखेगा ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, तो रटोगे तो हो सकता है कि पेपर में जाते जाते आपको वो चीज़ याद ना रहे, क्योंकि हमें फॉर्मूले भी करने हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, तो इतनी सारी चीज़ें का बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस अप्रोच में आपको इस क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो ढूंढ के रखना है, उसके बाद आप किसी भी तरीके का एग्जांपल बना सकते हो जो आपको पसंद है।
तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट मैंने ले लिया 3, 2 बिलोंग्स टू R। अब ये इस रिलेशन पे ज़रूर बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू होता है 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यानी कि a कॉमा बी तो मुझे मिल गया, सही है। अब मुझे क्या देना है, अब मुझे चाहिए b कॉमा c, यानी कि 2, c। अब c क्या ले, और इस कंडीशन को भी फुलफिल करवाना है कि वो ट्रांजिटिव ना बने, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो वही चीज़ देखनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको c ही रहने दूंगा, और अगर 2, c R में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू होगा c स्क्वायर के। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ से ये मिलना चाहिए कि 3, c रिलेशन में ना जाए, क्योंकि हमें ये शो करवाना है कि ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। अगर हमने ये शो करवा दिया कि 3, c हमारा रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और इस केस के लिए सी की आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हो, तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा, यानी कि सी की वैल्यू जब हम 4 ले रहे हैं। बट हमें क्या करना है, 3, c इस रिलेशन में नहीं जा रहा है, ये चीज़ हमें शो करनी है। अब अगर 3, c रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल्स टू c स्क्वायर हो रहा होगा, है ना, ये होगा तभी तो वो रिलेशन में जाएगा। अब हमें ये इसका उल्टा शो करना है कि 3, c इस रिलेशन में ना जाए, जो कि ये चीज़ है। तो इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि c स्क्वायर लेस होना चाहिए 3 से, यही तो हमें शो करना है। 3, c इस रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर 3, c इस रिलेशन में जा रहा है तो उस बात का मतलब आता है कि c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। अगर इसका नेगेटिव देखोगे, यानी कि उल्टा देखोगे, तो क्या निकल के आएगा, c स्क्वायर छोटा होना चाहिए 3 से, तभी तो 3, c रिलेशन में नहीं जाएगा। अब अगर इस कंडीशन को फुलफिल करवाना है, यानी कि इसका मतलब होगा c लेस होना चाहिए रूट 3 से। रूट 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.7 समथिंग। तो यानी कि c की वैल्यू अगर आप 1.7 से छोटी लेते हो तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। कैसी कंडीशन, कि 3, 2 इस रिलेशन में है, 2, c भी इस रिलेशन में है, बट 3, c इस रिलेशन में नहीं जा रहा है। तो मैं ले लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, c इज इक्वल्स टू 1.5। 1.7 रूट 3 की वैल्यू होती है, आप 1.6 भी ले सकते हो, मैं c की वैल्यू 1.5 मान लेता हूँ। अब इस c की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, देखना ये ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। देखते हैं, हमने लिया 2, 1.5 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये इस रिलेशन में जाएगा, क्यों, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25 होगा, यानी कि ये क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी, ये वाली जहाँ पे c मैंने माना हुआ था, तो ये इस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या 3, c यानी कि 3, 1.5 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, देखना कैसे, 3 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर करो कितना होता है 2.25, ये कंडीशन गलत है, 2.25 3 से बड़ा नहीं होता। अब जब बड़ा नहीं होता तो इसका मतलब 3, 1.5 इस रिलेशन में नहीं जाने वाला। तो इस तरीके से हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो जनरली यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, c की वैल्यू को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें याद नहीं रखना है, हमें समझते हुए इसका एग्जांपल कंक्लूड करके लेकर आना है। तो जहाँ तक है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।